वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं, हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिंग थ्योरी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वन, जो कि हमारी होती है रिंग, जो कि बेसिक है। ठीक है, तो रिंग हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रिंग है क्या, तभी तो रिंग थ्योरी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो है सेमेस्टर 4 पेपर 10 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे रिंग थ्योरी में जाने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि एक्चुअली में ग्रुप है क्या। ग्रुप थ्योरी पढ़े थे सेमेस्टर 3 में, जो कि पेपर 6 था। ठीक है, तो ग्रुप, एक्चुअली में ग्रुप का डिफिनेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर रिमाइंड करवा देते हैं कि ग्रुप है क्या। ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी ना, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी। अगर अबिलियन ग्रुप हुआ तो 5th प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव वाला सेटिस्फाई कर जाता था। और सारे ग्रुप जो होते थे वो एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी। क्लियर, एडिशन के रिस्पेक्ट में करती थी ना सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप जो नंबर 1 जो था वो क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी था, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड वन जो था हमारा एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन थर्ड वन क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। एंड फोर्थ वन क्या था, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो ये हमारी ग्रुप होती थी। और यही अबिलियन ग्रुप के लिए क्या होता था, अबिलियन ग्रुप के लिए ये 5th, देखिए ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी, बट 5th प्रॉपर्टी होता था हमारा कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा अबिलियन ग्रुप हो जाता था। ओके, रिमाइंड करवा दिए कि ग्रुप एक्चुअली में है क्या। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ट्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, आप लोग से कांटेक्ट कीजिए तभी हम ट्यूशन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर जो मेरा मन करेगा हम वही अपलोड करेंगे। ओके, तो अगर प्रॉपर ढंग से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और भी इस पे सेपरेट वीडियो बनाए हुए थे ट्यूशन के लिए, तो वहाँ पे भी हम नंबर दिए हुए हैं, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम प्रॉपर तरीके से आप लोग का ट्यूशन स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी पेपर 8 का जो है एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। ओके, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, वो चैप्टर कंपलसरी हो जाता है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल में। अब आती है बात रिंग पे, तो ग्रुप दिस वन एंड अबिलियन ग्रुप एक 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो अबिलियन ग्रुप हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे आती है रिंग की बारी। तो रिंग भी क्या है, आर, जो रिंग को डिनोट करते हैं हम लोग आर से। ठीक है, और R जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगी वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये जो है ना ग्रुप जो होती है वो हमेशा एडिशन के रिस्पेक्ट में होती है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं होती है। क्लियर, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी नॉर्मल हो जाती है। क्लोजर एक्चुअली में क्या होता है पता है ना, अच्छा ये सब बता भी देंगे ये एक्चुअली में है क्या, तो ठीक है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना कि ए बी दो एलिमेंट अगर जी का है तो ये क्या होगा, मीन्स दैट इज लिख देते हैं, दैट इज ए प्लस बी जो होगा ये भी हमारा जी का होगा। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है कि ए बी सी तीन एलिमेंट होती है कहाँ की, जी की होती है, तो ए प्लस बी एक साथ रहता है प्लस सी, दिस वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी दिस वन, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी कुछ पता है, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मीन्स एडिशन हुआ, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है ना कि अगर कौन से एलिमेंट किसके साथ हम एडिशन करें कि वही एलिमेंट हमें मिले। ठीक है, जैसे एडिशन आइडेंटिटी में 0 आता है। ठीक है, 0 प्लस अगर हम a करते हैं तो क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू a देते हैं, और यही हम a प्लस 0 भी करते हैं तो भी हमारा क्या देगा, a देगा। ठीक है, और फॉर ऑल a जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। क्लियर, आइडेंटिटी। और एडिटिव इन्वर्स क्या होती है, इन्वर्स मीन्स क्या कि हमारा आइडेंटिटी रिजल्ट देगा, जब हम दो एलिमेंट का एडिशन करेंगे वो आइडेंटिटी देगा। जैसे कि हम ए और प्लस माइनस ए अगर कर देते हैं तो क्या देगा, ये हमारा 0 देगा। क्लियर, तो ये 0 देगा मीन्स हमारा क्या हो रहा है, ये जो है वो एडिटिव इन्वर्स है, किसकी, इसकी, इसकी इन्वर्स हमारा ये है। क्लियर, समझ में आ रही है कुछ। एंड अब कॉम्यूटेटिव क्या होती है, कॉम्यूटेटिव जैसे हमारा ए बी दो एलिमेंट हुआ ना, तो ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए बी का एलिमेंट है हमारा जी का एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए जो एलिमेंट है वो किसका है, जी का एलिमेंट, और ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है।
ठीक। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती थी इस तरीके से ग्रुप की। अब आती है बात रिंग की। तो रिंग में होता है क्या कि देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी नॉर्मल हो गया ना, ए बी दो एलिमेंट है एडिशन करेंगे तो दिस। तो रिंग में क्या होता है कि एक एडिशन के रिस्पेक्ट में और दूसरा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, तब जाके वो रिंग कहलाता है। ठीक है, तो रिंग का हम प्रॉपर डिफिनेशन लिखवाते हैं इस वीडियो में, ओनली फॉर रिंग हम सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले तो हम ग्रुप सिखा दिए, ठीक है, रिमाइंड करवा दिए ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक। अब हम रिंग दिखाते हैं, ठीक है, रिंग एक्चुअली में है क्या। रिंग भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट ही रहेगा, ठीक, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली है। जैसे इसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिखिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिंग की डिफिनेशन। सपोज R is a non-empty set together with two binary operation। अगर मेरे चैनल से पढ़े होंगे सेमेस्टर थ्री तो देखे होंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी हम बताए हुए कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली में होता है क्या। दो एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन होती है उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर, जैसे एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन उसे कहते हैं। ओके, कॉल्ड क्या होता है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन को क्या बोल रहे हैं, एक एडिशन जो कि डिनोशन देते हैं ऐसे, एंड क्या मल्टीप्लीकेशन जो कि डिनोशन देते किसे, डॉट से, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को डॉट से देते डिनोशन। क्लियर, देन फॉर ऑल ए बी, दो एलिमेंट है किसका, आर का एलिमेंट है, मतलब रिंग का आर का एलिमेंट है, तो वी हैव क्या हो जाएगा, वी हैव, देखिए यहाँ पे जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ए बी दो एलिमेंट हुआ तो a प्लस बी जो होगा वो कहाँ होगा, r का एलिमेंट होगा, और a डॉट बी भी जो होगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, r का एलिमेंट है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया ना, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो जाता है, तो देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं कि R हमारा जिसे हम बोल रहे हैं रिंग थ्योरी, वो एक्चुअली में जो रिंग बोल रहे हैं तो वो R आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में ऑपरेशन, मतलब दो ऑपरेशन हो रही है ना, तो जो दो ऑपरेशन हो रही है वही लिखते हैं R। देखिए R प्लस और डॉट, दिस इज ये एक साथ लिखे हैं, तो इसे बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे ग्रुप में लिखते थे G और क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे, ग्रुप हो जाता था, आई और प्लस लिखते थे, ठीक है, इंटीजर जो ग्रुप, ठीक, तो ये जो होता था तो इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन, देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप होता है, ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखते थे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों हैं, ठीक है, टुगेदर विद दोनों हैं साथ में, तो प्लस वाला भी और हमारा डॉट वाला भी दोनों लिखेंगे, ठीक है, तो समझ जाइए हमारा रिंग है। और वेक्टर भी हमें पढ़नी पड़ेगी, तो वो सेमेस्टर सिक्स में पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको ग्रुप भी जानना होगा, रिंग भी जानना होगा, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा ना, तो हमारा वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, सेमेस्टर फोर में वेक्टर से क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आ रहे, पिछले ईयर से ही नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो वहाँ से वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली फॉर रिंग थ्योरी से ही आएगा, तो हम सिर्फ रिंग थ्योरी ही करवाएंगे। क्लियर, वेक्टर हम सेमेस्टर सिक्स में करवाएंगे, ठीक। तो देखिए देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस और डॉट, इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ रिंग। कब बोलेंगे, इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर होल्ड, आर होल्ड बोलिए या सेटिस्फाई बोलिए, सेटिस्फाई। जैसे नंबर वन क्या है, तो बोल सकते हैं लॉ ऑफ एडिशन, जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, लॉ ऑफ एडिशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर वन क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन, तो देखिए यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, हम यहीं पे लिख चुके हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली कहाँ से आएंगे, एसोसिएटिविटी से आएंगे, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम रेड से लिखते थोड़ा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन एलिमेंट होते हैं इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फॉर ऑल ए बी सी कहाँ के एलिमेंट है, तो आर के एलिमेंट है। क्लियर, तो ये हमारी हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकेंड वन जो हमारा है वो हम बोलेंगे, आप देखिए इसमें क्या होता है ना कि अबिलियन ग्रुप वाले टर्म्स आते हैं। ठीक है, रिंग थ्योरी में अबिलियन ग्रुप वाले, तो अबिलियन ग्रुप वाले भी बताए ना प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली लिख पा रहे होंगे, नहीं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी को अगर आगे पीछे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉपर्टी सारा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, बस। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट है, तो हमारा आर का एलिमेंट है, बस। क्लियर, देन मेरे इसका ऊपर देखिए हर एक पार्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो इसको अच्छे से समझिए। देन थर्ड वन जो हमारा है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स क्या हुआ कि क्या चीज हम उस एलिमेंट में ऐड करें क्योंकि तो वही एलिमेंट हमारा दे दे। तो जीरो ऐड करना होगा, एडिशन में जीरो ऐड करते हैं तो हमारा क्या देता है, एलिमेंट ए देता है, इसी को ए प्लस जीरो भी ले सकते हैं, तो भी हमारा क्या देगा, ए देगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर, समझ में आई। देन फोर्थ वन जो हमारा है उससे देखिए, फोर्थ वन जो है ना उसे आप बोल सकते हैं क्या कि जीरो एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे ऐसे बुक में लिखा हुआ नहीं है बट लिख देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा अच्छी तरीके से। क्लियर, तो देखिए इसमें लैंग्वेज ले सकते हैं, नहीं नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम इजी वे में बता रहे हैं। ठीक है, ए होगा प्लस माइनस ए, इस तरीके से दिस इज इक्वल टू क्या देगा बताइए, जीरो देगा, दिस इज इक्वल टू अब माइनस ए लिखिए प्लस ए लिखिए, नो प्रॉब्लम, फॉर ऑल ए जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, और माइनस ए जो है क्या है वो इनवर्स है। ठीक है, माइनस ए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स दिया गया। ओके, मतलब क्या होता है ना कि एडिटिव इनवर्स में कि आप एक एलिमेंट लीजिए और उस एलिमेंट में क्या एडिशन करेंगे जो कि हमारा आइडेंटिटी देना चाहिए, आइडेंटिटी हमारा जीरो है तो आइडेंटिटी आना चाहिए। क्लियर, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी आ रहा है दिस वन, और ऐसे भी करें तो दिस वन, तो एक्चुअल में क्या ऐड किए, माइनस ए, तो माइनस ए जो जो भी ऐड किए हैं वही हमारा एडिटिव इनवर्स होती है। क्लियर, देन अब देखिए तो ये चार प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई कर गई थी, पहले ही मल्टीप्लिकेशन का भी लिख दिए थे और एडिशन का भी लिख दिए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आती है बात मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारी दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वेक्टर में भी आगे चल के दो ही होगा, यहाँ पे भी दो ही होता है, तो एक्चुअली में है क्या वो लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव में। ठीक है, आप फिफ्थ प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखिए, सिंपल। यहाँ पे फोर हो गया जो कि हम ऊपर लिखे हुए थे ना, क्या लिखे हुए थे, लॉ ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हम वहाँ लिख चुके थे जो कि ए बी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ था और आर में बिलोंग कर रहा था, तो क्या नहीं एक एसोसिएटिव होती है जो हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज क्या होगा कि देखिए हमारा ए बी और सी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डॉट वाली होती है, तो ये दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी एक साथ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे डॉट दे सकते हैं। ठीक है, और फॉर ऑल ए बी सी कहाँ का एलिमेंट होगा, तो हमारा आर का एलिमेंट होगा, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, क्लियर,
देन अब आती है क्या, एक हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, बट मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, बट वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के ही रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही चलेगा। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में होती है, तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू, लिख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ना, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ओनली फॉर लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन भी आता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देन नहीं तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख सकते हैं ओनली फॉर, ठीक, तो दैट इज फॉर ऑल ए बी सी, तीन एलिमेंट है जो कि हमारा आर का एलिमेंट है, तो वी हैव क्या हो जाएगा, देखिए ए बी प्लस सी, देखिए मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है, ठीक है, तो ए बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट जो होगा ना, ए इसके साथ होगा, फिर ए इसके साथ होगा, पता चल रहा है ना कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल जानते हैं ना, तो ए और बी प्लस हमारा ए सी, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसे देखिए, ए जो आया वो लेफ्ट साइड आया ना, इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारा एक थ्योरम आएगा, ठीक है, वो थ्योरम भी करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एग्जाम में भी आता है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए बी प्लस सी इधर रहता है और ए जो है इस पर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, तो क्या होगा, देखिए ए इसके साथ मतलब बी ए होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा सी ए होगा, तो ए देख पा रहे हैं राइट साइड में, तो ये हो जाती है हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर। तो अगर इतना टोटल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई देन हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रिंग है, क्लियर, ये हमारा रिंग आ जाती है। अब क्या होती है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग होती है और एक रिंग विथ यूनिटी भी होती है, ठीक है, तो ये भी हम बता देंगे इसी वीडियो में। देखिए एक्चुअली में रिंग का डिफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किए, ठीक, तो अब देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग किसे बोलते हैं, तो इतनी प्रॉपर्टी सारा सेटिस्फाई करेगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जैसे ही सेटिस्फाई करेगा वो हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेगी, जैसे एग्जाम में अगर आपका आया कि आप कॉम्यूटेटिव रिंग लिखिए, ठीक है, डिफिनेशन डिफाइन कॉम्यूटेटिव रिंग, तो क्या करेंगे, सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे और जो अभी हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तब जाके आपका कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। और रिंग विथ यूनिटी अगर लिखने आया है तो एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताएंगे, वो आ गया तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में देखिए किस तरीके से हम एक्चुअली में पढ़ाते हैं एग्जाम के पॉइंट के व्यू से, ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आती हैं और किस तरीके से आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक तो हमारा हो गया है। अब देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए, ओके, कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक, नॉर्मल अगर डिफिनेशन आ जाता है ना तो आप लोग पूरा लिखेंगे, क्लियर, और लिखेंगे क्या कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के ही रिस्पेक्ट में हमारे क्या होता है कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए लिखेंगे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या, कॉम्यूटेटिव commutative with respect to multiplication के respect में वो हमारा commutative होगा, that is क्या होगा a b, this is equal to b a, ठीक है, dot दिखा सकते हैं, for all a b का element होगा तो हमारा r का element होगा, ठीक है, ये directly दिखा सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक, या फिर क्या कर सकते हैं, इसकी डिफिनेशन आती है, डिफिनेशन उसको तो हम लोग डिफिनेशन बोलेंगे नहीं क्योंकि वो टू मार्क्स हमको नहीं लगता कि देगा, टू मार्क्स देगा तो आपको इतना पूरा प्रॉपर्टी लिखनी होगी, देन दिस वन लिखनी होगी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये टर्म्स, ठीक है, ओनली फॉर ये दो लाइन लिखिएगा, ये दो लाइन, देन कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, क्लियर, इतना लिखने के बाद ये दो लाइन, तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया। और रिंग विथ यूनिटी अगर लिखे या फिर और करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर कन्फ्यूजन जैसे कोई और दूसरे टीचर के पास पढ़ रहे हो या फिर कहीं से आपने नोट्स जुगाड़ किया है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा,
इस वजह से हम और लिख दे रहे। क्या देखिए एक्चुअली में क्या है कि इफ़ इन और रिंग हर दूसरी डिफिनेशन है, ठीक है। इतना प्रॉपर्टी लिखने के बाद ये दो लिख देंगे तो कॉम्पिटेटिव रिंग हो जाएगा, इजीली हो जाएगा और उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें एक नंबर भी काटने की कहीं पे गुंजाइश नहीं रहेगी, फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें। बट इस ये जो लिखेंगे डिफिनेशन, ये दो तीन लाइन का होता है डिफिनेशन, अगर इसे लिखते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। और वैसे भी जानते हैं रिंग थ्योरी का, जब आप डिफिनेशन कर सकते हैं तो कॉम्पिटेटिव रिंग एक जोड़ने में क्या हर्ज है ना, इजीली कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि दूसरे भी डिफिनेशन हम लिखवा देते हैं, रिक्स नहीं लेना। इफ़ इन और रिंग आर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, रिंग की प्रॉपर्टी सारा सेटिस्फाई करिए। रिंग आर जैसे बोलते हैं मतलब रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए, ठीक है। तो इफ इन अ रिंग आर क्या है, द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉम्पिटेटिव, वही हो गया जो हम बता रहे हैं, कॉम्पिटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कॉम्पिटेटिव देन द रिंग आर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव रिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि दैट इज ए और डॉट बी, दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए, फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट होगा, तो आर का एलिमेंट होगा। तो ये डिफिनेशन लिखेंगे तो टू मार्क्स लेना चाहेंगे, तो आप लोगों को पता है ही कि थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और एग्जामिनर चेक करेगा तो उन्हें थोड़ी सी सेटिस्फाई भी हो जाएगी और अच्छे से मार्क्स भी मिलेगा। यहाँ पे लिखनी है ना इफ़ इन ए रिंग आर, मतलब आर जो है रिंग, तो वो प्रॉपर्टी पूरा सेटिस्फाई करेगा, तो आप प्रॉपर्टी पूरे दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये दो लाइन जोड़ देंगे तो कॉम्पिटेटिव रिंग हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है आइडेंटिटी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों हम बता रहे हैं, जो रिंग और फिर कॉम्पिटेटिव रिंग और रिंग विथ यूनिटी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो रिंग विथ यूनिटी क्या होता है कि रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ये कॉम्पिटेटिव वाली इसमें नहीं आती है, ठीक है। रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर जाती है इस मीन्स हमारे क्या होता है, यूनिटी मतलब क्या होता है आप लोग पता है, यूनिटी मीन्स वन होता है ना, यूनिटी मतलब वन होता है। तो वन मीन्स क्या होगा कि वन कोई भी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो और वही एलिमेंट हमारा दे रहा है तो उसे बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी, क्लियर। एक ऐसा एलिमेंट जो कि हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और आर की एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिट एलिमेंट हो जाता है, क्लियर। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज क्या है कि वन मल्टीप्लाई विथ क्या है ए, दिस इज इक्वल टू क्या देगा रिजल्ट, ए दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विथ वन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, रिंग विथ यूनिटी, ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा रिंग विथ यूनिटी एंड दिस वन दिखा दीजिएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिंग जो है वो क्या हो जाएगा एक्चुअली में यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा, मीन रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी और ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। या फिर इसकी एक और डिफिनेशन है और करके हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पे भी ऐसे ही, जैसे इसका कॉम्पिटेटिव का लिखा है, If in a ring are there exit an element, बोले ना R की ही element होगी, there exit an element denoted, किससे denote कर रहा है, one से denotion कर रहा है, मतलब one ही एक ऐसा element होगा जो कि किसी से भी multiply करने के बाद क्या होता है वही element देगा, such that one multiply with a multiply with one this one for all a belongs to R, this is ring with unity, ठीक है। और one को क्या बोलेंगे, one को बोलते हैं unity element of ring, और हमारा a जो है वो a तो element ही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रिंग विथ यूनिटी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, रिंग विथ यूनिटी क्या होती है और कॉम्पिटिटिव रिंग क्या होती है और रिंग एक्चुअली में क्या होती है। तो उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, कि आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से कि एक्चुअली में हम बोलना क्या चाह रहे हैं। और चलिए थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और ट्यूशन करनी है तो फिर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए जल्दी से, तो जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, वैसे हम चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, ओके प्रॉपर तरीके से पढ़ा देंगे।